हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी जूसी क्रंची ब्रोकली की सब्जी। तो सबसे पहले हम इसको गर्म कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक डालकर इसको बॉईल कर लेंगे और फ्रेश कढ़ाई ले लेते हैं। फ्रेश कढ़ाई में डालेंगे हम अपना मस्टर्ड ऑयल, आप चाहो तो ऑलिव ऑयल या तो फिर रिफाइंड ऑयल डाल सकते हो। सूखी लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च की जगह हरी मिर्ची भी आप डाल सकते हो। उसके बाद ऐड कर रही हूँ इसमें एक छोटा चम्मच जीरा और जीरा को चटक जाने देंगे। उसके बाद फिर हम ऐड करेंगे इसके अंदर चॉप किए हुए प्याज, जो कि फाइन चॉप किए हुए मैंने, आप चाहो तो रफली चॉप भी करके डाल सकते हो। और इसको अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक हम बस इसको पकाएंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, चॉप किया हुआ मैंने इसमें लहसुन ऐड करा है और इसको भी अच्छी तरीके से मैं भूंज लूंगी। तब तक ये भूंज रही, तब तक मैं एक मसाला बना लूं जिसमें मैंने हल्दी ऐड करा है। फिर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ एक चम्मच जीरा पाउडर और ये मेरा मैजिक मसाला, जो कि मैं आपको इसकी रेसिपी बहुत जल्दी शेयर करूँगी। आपको इसके अलावा और कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी और इसका एक पेस्ट बनाकर मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी साइड में, ताकि मसाले थोड़ी फूल जाए। अब यहाँ पर मेरे प्याज लहसुन पक गए हैं तो टमाटर मैंने पीस कर इसके अंदर ऐड करा है। आप चाहो तो टमाटर को रफली चॉप करके भी डाल सकते हो। अच्छे तरीके से मसाले को लाल होने तक पकाएंगे और टमाटर मैंने डाल दिया है तो टमाटर के साथ इसी समय मैं नमक भी ऐड कर देती हूँ। तो आप अपने हिसाब से नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर देना। मैं इसके अंदर सेंधा नमक ऐड कर रही हूँ, आप चाहो तो नॉर्मल टाटा सॉल्ट भी ऐड कर सकते हो। और जो हमने मसाला रखा था वो मसाला इसी टाइम पे डाल देंगे और इसको भी बहुत अच्छी तरीके से पकाएंगे। अब मसाले के अंदर ब्रोकली ऐड करेंगे और ब्रोकली को बहुत अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे, ताकि जो ब्रोकली हल्की जो कच्चा होगा वो ब्रोकली बहुत अच्छे से पक जाए, मसाले के अंदर उसका सारा फ्लेवर चला जाए और मसाला अपना फ्लेवर ब्रोकली के अंदर छोड़ दे। इसको बहुत अच्छे से ब्रोकली को हम लोग फ्राई कर लेंगे और ढक ढक के पका लेंगे, ताकि ब्रोकली बहुत अच्छे तरीके से पक जाए। ब्रोकली फ्राई हो चुकी है, आप चाहो तो इस तरीके से भी फ्राई किया हुआ खा सकते हो, बट मैं थोड़ा सा ग्रेवी डाल करूँगी इसको, इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करा है और इसको थोड़ा सा बॉईल आने तक मैं पकाऊंगी। आपको इस मैजिक मसाला जो मैंने ऐड करा है, उस मसाले में सारी चीज़ें हैं, तो आपको ऊपर से एक्स्ट्रा कोई मीट मसाला या फिर गरम मसाला, सब्जी मसाला कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो होममेड होता है। तो नेक्स्ट रेसिपी में कोशिश करूँगी कि वो मैं आपको ज़रूर दूँ और वो बनाकर आप रख लो और उसी को यूज़ करो, और ये बॉईल आ जाने तक सब्जी फिर बनकर तैयार ही हो जाएगी। ब्रोकली की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, मैंने इसको अच्छी तरीके से प्लेट कर लिया है। आप बताओ, ये रेसिपी बहुत इजी और सिंपल थी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस।